वहीं सहारनपुर दौरे पर पहुंचे यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। भूपेंद्र चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो मिशन 2024 के लिए लोगों को साधने के लिए ये कवायद शुरू हो चुकी है बीजेपी की तरफ से। तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और ये देखिए भूपेंद्र चौधरी ने जीत का दावा शुरू कर दिया है। हापुड़ की स्क्रैप फैक्ट्री में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां फैक्ट्री में लगी भीषण आग लाखों का नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। आग फैली तो उसने आसपास की गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया। लाखों के सामान के साथ फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही साथ आसपास की दुकानें और गाड़ियों को भी आग ने चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी हैं। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और उसके बाद मंजर आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके फैक्ट्री में आग लगी है और आग का गुबार ऊपर उठ रहा है। बस्ती में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सदर ब्लॉक के धरौली गांव में प्राइमरी स्कूलों में पानी भर गया है, जिसके चलते बच्चों और टीचरों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जहां पानी ना भरा हो, जिससे अब स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। बताया जा रहा है कि जब भी बारिश होती है स्कूल के हालात ऐसे ही हो जाते हैं। स्कूल स्टाफ को भी पानी में उतरकर ही स्कूल पहुंचना पड़ता है। मामले में बीएसए ने कार्रवाई की बात कही है। स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें मिली है, उसको भी जांच करवा लेंगे। वो नाली कहाँ बन रही, किनारे बन रही, जैसी बन रही है, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो उसके बाद हम उसको जांच करवा के उसका जो भी होगा, अगर किसी कोई इसमें उस तरह से पाया जाता है। तो यूपी में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आई है। बुलंद शहर में जहाँ पानी से गर्मी से राहत मिली, तो रायबरेली में तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। पहली तेज बारिश के बाद मोहल्ले की सड़क तालाब बन गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गर्मी से लू से राहत मिली है, बारिश की वजह से तापमान में भी खास गिरावट हुई है, जिसकी वजह से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली की तस्वीर है जहाँ पर आफत का मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जल भराव और गंदा नाले का पानी रोड पर। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। शनिवार की रात 10 बजे गंगा का जलस्तर 59.32 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव हो रहा है। तो लगातार गंगा स्तर या फिर हम कहें जल स्तर में बढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब बाढ़ की चिंता सताई जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।